हाई एवरी वन, सो दिस इज़ माला, वेलकम टू द चैनल एंड टुडे आई एम गोइंग टू शो यू हॉस्टल. सो लेट्स गो सी, दिस इज़ अ न्यू हॉस्टल एंड उधर जाके आपको जूनियर हॉस्टल एंड सीनियर हॉस्टल मिलेगा. सो क्योंकि मैं न्यू हॉस्टल में रहती हूँ तो आई विल शो यू न्यू हॉस्टल. सो लेट्स गो. हॉस्टल के बाहर ऐसे एक ग्राउंड है, ग्राउंड नहीं बोलेंगे, छोटा सा ग्रीनरी है जहाँ पे यूजुअली आप सुबह उठ के बैठ सकते हो. एंड ये गार्बेज, जो भी हॉस्टल खाली कर रहे हैं वो गार्बेज, और ये अम्मा. ग्राउंड फ्लोर ऐसे वाटर कूलर आपको हर फ्लोर पे मिलेगा. इधर भी एक लिफ्ट है, एक लिफ्ट इधर है, उधर से चलते हैं. रुक जा, मैं हॉस्टल का व्लॉग शूट कर रही हूँ. तू बता हॉस्टल कैसा रहा तेरा, हॉस्टल लाइफ ये वाला हॉस्टल. मेरे को घर जाना है. सबको बस नहीं यार, मुझे मत दिखा. अच्छा ठीक है, मुझे देख लो भाई. तुझसे कम. बाय, ऑल द बेस्ट. थैंक यू. हम रहते हैं फोर्थ फ्लोर पे, सो कोई भी आके यहाँ पे खुश नहीं मिलेगा, सबको घर जाना है. सो हमारा रूम है, दिस इज फोर्थ फ्लोर. हर फ्लोर पे आपको ये मिरर मिलेगा, जो कि बहुत गलत बात है. मिरर एक्चुअल रूम के अंदर होना चाहिए. सो दिस इज़ माई रूम, वो मेरा साइड है एंड दिस गर्ल इज़ नॉट हेयर. सो हर स्टफ इज़ पैक्ड नाउ, क्योंकि घर जा रहे हैं ऑलमोस्ट सभी. तो या सी, ऐसे आपको एक टेबल मिल जाएगा छोटा सा, चेयर भी और बेड भी, बाकी मैट्रेस और जो भी आपको स्टफ़ चाहिए वो सब, जैसे आपका कर्टन, मैट्रेस, ये सब आपको खुद लेना पड़ता है. ओके या सो आई शो यू विंडो के बाहर का व्यू. तो इसको नहीं हटा सकते क्योंकि ये हट ही नहीं रहा है, बट या सी देयर इज़ अ मेट्रो स्टेशन near the campus, like attached to the campus, so वो भी यहाँ से दिखता है. बीच में जो ट्री आ रहा है वो सेंटर स्क्वायर में है, और जो कलरफुल लाइन्स दिख रहा है आपको यहाँ पे वो सेंटर स्क्वायर का है पूरा. नाइस व्यू. आपको बेड इस तरीके का मिलेगा जैसे हॉस्पिटल्स में होते हैं, तो बी रेडी. फैंस है गाइस, एसी नहीं है रूम में. और क्या दिखाऊं, कबर्ड. ओके वेट, सो दिस इज माय स्टफ, दिस इज कबर्ड. ऐसे बेसिकली थ्री सेक्शन मिलेंगे आपको कबर्ड में. मुझे एक ही साइड मिला है, बट आई विल शो यू दिस साइड आल्सो. दिस इज नॉट माय स्टफ, दिस वन इज माइन. ऊपर के बाकी मेरे नहीं हैं, जो इस रूम में पहले से रहती थी उसके हैं. यहाँ पे बच्चे सामान भी अपना छोड़ के चले जाते हैं. ओह माय गॉड, अमीर बच्चे. ओके सो दिस पार्ट इज बालकनी, जहाँ पे आप कपड़े सुखा सकते हो धोने के बाद. यहाँ से भी अच्छा व्यू आता है, बट डस्ट भी आता है. सो या दिस इज ऑल द थिंग जहाँ पे आप कपड़े वगैरह सुखा सकते हो. छोटा सा है, एंड मीट माय कृष्णा जी, इन्होंने बहुत साथ दिया. क्या क्या हो रहा था मेरे साथ हॉस्टल में. आई चेंज टू टाइम्स, दो बार मैंने चेंज किया अपना रूम. हाँ बट इट्स ऑल अबाउट लर्निंग, तो बहुत कुछ सीखा भी उससे.
वॉशरूम है, एक इधर एक इधर। तो इधर वाला आई कैन शो यू, दिस टू इज फॉर पॉट एंड दिस टू इज फॉर बाथरूम। हर फ्लोर पर ऐसे आपको मशीन्स मिलेंगी, वॉशिंग मशीन, बट हर फ्लोर का चलता नहीं है, तो मे बी आपके आने तक ये ठीक कर दें। ओके गाइस, छुटकू सा हॉस्टल फ्लोर। To talk to you, क्या क्या आपको हॉस्टल में लेके आना चाहिए एंड किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है एक्चुअली में हॉस्टल में। तो वैसे तो आप आओगे तो सबका देख के आप ले ही आओगे और यहाँ से ले सकते हो, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, यहाँ पे चीज़ें एक्चुअल में महंगी है बहुत। तो अगर आप मेरी तरह मिडिल क्लास फैमिली से हो और बहुत महंगा लगता है आपको, तो आप घर से लेके आ सकते हो चीज़ें, कुछ चीज़ें एटलीस्ट। तो फर्स्ट आपको चाहिए कैटल, क्योंकि बहुत बार आप आने के बाद बीमार हो जाते हो, फिर कोई भी देखने वाला नहीं होता, तो कैटल इज़ मस्ट, क्योंकि आप उसमें मैगी बना सकते हो और पानी गर्म कर सकते हो। छोटे छोटे डेकोरेटिव मटेरियल आप घर से ला सकते हो, जैसे आई ऑल्सो वॉन्ट टू, जब मैं आई थी ना मैं ऐसा सोचती थी कि मैं हॉस्टल में जाऊँगी तो मैं पूरा अपना स्पेस एटलीस्ट पूरा अच्छे से डेकोरेट करके रखूँगी और सजा के, बहुत सुंदर से सजा के रखूँगी, बट मेरे साथ तो ट्रेजेडी हो गया, तो मैं कुछ नहीं कर पाई। बट आप ऐसे कर सकते हो, आप घर से लेके आ सकते हो जो भी आपको दीवार पे ऐसे लगाना हो, मतलब कहते हैं ना अपनी वाइब क्रिएट करने के लिए, वो आप घर से लेके आ सकते हो। यहाँ पे भी आप ले सकते हो, बट अगेन थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। इधर छोटी मोटी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आपको, जैसे स्नैक्स, मतलब शाम के उसे स्नैक्स वगैरह मिलता है, बट स्टिल कभी कभी ऐसा बनता है कि खाने का मन नहीं करता, तो बिस्किट वगैरह या नमकीन वगैरह जो भी आप अपने पास रखने जाओ। तो हॉस्टल के बाहर निकलने के बाद अंडर 1 किलोमीटर रत्नदीप है, रत्नदीप इज़ अ स्टोर जहाँ पे आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मिल जाती है, तो वहाँ से जाके आप ले सकते हो, बट अगेन एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव मुझे लग रहा है क्योंकि ट्रस्ट में मैंने 50 रुपीज़ के बिस्किट नहीं खाए अभी तक, 50 रुपीज़ के, तो इसलिए मुझे थोड़े एक्सपेंसिव लगते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। हाँ गाइस, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप है ना वेस्टर्न से ज़्यादा इंडियन कपड़े लेके आना, क्योंकि यहाँ पे इतने फेस्टिवल्स होते हैं, इतने फेस्टिवल्स होते हैं, फिर आप हमारी तरह मांगते घूरोगे प्लीज़ ये दे दो प्लीज़ वो दे दो। तो अच्छे से स्टॉक में लेके आना साड़ीज लहंगा एवरीथिंग, लाइक जो भी इंडियन वेयर से लेके आना, क्योंकि फंक्शंस बहुत सारे होंगे यहाँ पे। ओके, एंड ओनम भी होता है, तो आप पहले से ही साड़ी ले सकते हो ओनम के लिए, ओनम बहुत अच्छा होता है। और बाकी आप देख रहे हैं ना, आपको जो भी लेके आना है आप लेके आ सकते हो। और क्योंकि मैं जैसे अलमीरा को थोड़ा ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए बॉक्सेस में कपड़े रखती हूँ, ताकि मैं जस्ट बॉक्स निकालूँ उसमें मेरे कपड़े मिल जाए, बाकी बच्चे ऐसे नहीं रखते, तो वो लोग ऐसे अलमीरा में भर के कपड़े रखते हैं, तो आप थोड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से रह सकते हो। तो बॉक्सेस आप यहाँ से ले सकते हो नीचे, और जूनियर हॉस्टल में आपको बॉक्सेस मिल जाते हैं। अगर हॉस्टल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो और डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो। पता नहीं आप लोगों को याद होगा कि नहीं, बट मैंने फर्स्ट ब्लॉग के निफ्ट के फर्स्ट ब्लॉग में जब मैंने हॉस्टल का ब्लॉग बनाया था, जब मैं शिफ्टिंग कर रही थी, तब मैंने कहा था कि मैं हॉस्टल दिखाऊँगी आपको। 9 मंथ 10 मंथ्स पहले की बात है, और अब मैं जब घर जा रही हूँ, फर्स्ट ईयर ही ख़त्म हो गया पूरा, जब मैं घर जा रही हूँ ऑलमोस्ट सामान पैक कर चुकी हूँ, तो फिर अब मैं बना रही हूँ। सॉरी गाइस, उसके बीच में नहीं बना सकी, क्योंकि बहुत लंबी कहानी है, मुझे बार बार शिफ्टिंग करना पड़ा, सेमेस्टर में इतना काम देते हैं ना, तो उसमें भी टाइम नहीं मिल पाता बात करने का, शूट करने का। इतना ज़्यादा कुछ मैंने ऐसा कल्चर देखा नहीं था, वैसे सारा कल्चर मिल जाए तो ऐसा ही कुछ होता है जैसे निफ्ट में है, बट आई स्टिल नॉट एक्सेप्टिंग सो मच वेस्टर्न थिंग, तो इसलिए मुझे बहुत दिक्कत हुई यहाँ पे। बट आप लोग तो और भी ज़्यादा जेंजी हो गए, जेंजी जनरेशन को इतनी दिक्कतें नहीं होती है, इवन आई एम टू, बट मैं हूँ भी नहीं, मतलब मैं
एक्चुअली पता है क्या, जैसी आपकी अपब्रिंगिंग होती है, जैसी आपकी परवरिश होती है, आप वैसे इंसान होते हो। तो मेरी परवरिश बहुत ज़्यादा सिंपल हुई है। हमें छोटी छोटी चीज़ों के लिए बहुत सोचना पड़ता है, और ऐसा मतलब फैमिली बैकग्राउंड से ही ऐसा है। तो मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ का कल्चर बहुत ही ज़्यादा ही ऑर्डिनरी है। तो मेस का फ़ी बच्चे भरते हैं, बट स्टिल खाना नहीं खाते हैं। तो आई डोंट नो फीस क्यों भरते हैं। एंड डेली क्लबिंग पार्टी, तो ये सब थोड़ा सा मैं कैसे बताऊँ, मैं उसमें नहीं घुल मिल पाई पार्टी कल्चर में। सो दैट्स वाई अकेली हो गई थी यहाँ पे। बट अभी तो मैं अपनी अकेलेपन को भी इंजॉय करने लगी हूँ। स्टार्टिंग में लगता था यार घर वालों से इतना दूर कैसे रहूँगी कैसे, अभी तो अकेले रहने की आदत हो गई है। और या मैं खुश हूँ, और मैं अपनी कंपनी बहुत ज़्यादा ही इंजॉय करती हूँ। और जहाँ भी मन करता है अकेली चली जाती हूँ। पहले लगता था कि कोई तो साथ में जाना चाहिए, किसको लेके जाओ, जगह नहीं देखा है वो। तो अभी तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो जस्ट मेक श्योर गाइस, दोस्त बनाओ तो अच्छे बनाओ, अच्छे इन द सेंस आपको गलत रास्ते पे ना लेके जाए। अदरवाइज़ तो जो मर्ज़ी आप कर सकते हो। निफ्ट में आने के बाद आपको खुली छूट है बेटा। 3 बजे जाना है बाहर, छाओ 4 बजे आना है, आओ सुबह आना है, आओ। तो निफ्ट का कल्चर ऐसा है खुला हुआ, जो कि मुझे ठीक नहीं लगता। ऐसा लगता है थोड़ा सा तो स्ट्रिक्टनेस होना चाहिए, रूल्स रेगुलेशन होना चाहिए। गाइज डोंट ऑफेंड, बिकॉज ये मेरा पर्सपेक्टिव है। एंड सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून एंड बी हैप्पी।